शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा लोकसभा सांसद आर के सिंह भोजपुर जिले के क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान महान पर्व छठ की तैयारी को लेकर विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। शुक्रवार को आरा शहर के बिहारी मेल, नहर घाट, कलेक्ट्रेट घाट, चंदवा सूर्य मंदिर, पुलिस लाइन घाट और गांगी घाटों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को स्वच्छता, रोशनी, पानी, चिकित्सा आदि बहाल करने का आदेश दिया। उन्होंने आम जनता की मांग को ध्यानपूर्वक सुनते हुए घाटों पर समुचित व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने नहर किनारे गंदगी पर भड़कते हुए संबंधित अधिकारियों को डांट भी लगाई और जल्द सफाई के आदेश दिए। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री द्वारा नहर का सौंदर्यीकरण का काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, जिसके साथ ही कायम नगर से 0 माइल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी इनके प्रयास से हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा भोजपुर जिले के सभी घाटों पर प्रत्येक वर्ष छठ व्रतियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाती है। मेरे द्वारा सभी महत्वपूर्ण घाटों पर हाई मास्क लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। जिले की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। इस दौरान मंत्री सह सांसद का जगह जगह स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं और जनता द्वारा ये स्वागत किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, विजय सिंह, शंभू चौरसिया, सतीश भट्ट, मीरा यादव, कौशल यादव, अजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अब ये आरा शहर में जितने महत्वपूर्ण घाट थे सबका हमने निरीक्षण किया और जहाँ जहाँ जो आवश्यकता थी उसके बारे में चर्चा की। सर कहाँ पाएंगे? उसके बाद फिर अब जा रहे हैं जिला के अन्य जगहों पर भी हम निरीक्षण करेंगे। जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो हमारे पदाधिकारी साथ हैं, वो उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। मकसद यही है कि कहीं कोई दिक्कत हो तो उसमें सहायता कर सके। कई घाट पर एक ही कल है, कल का काफी यहाँ जो लोग कहते हैं वो प्रयास करते हैं कि उसकी पूर्ति। यहाँ पर भी एक ही कल है, कम से कम चार यहाँ पर चार कोना है, चारों कोना पर कल होना चाहिए था। अच्छा, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत। भैया पूछेंगे अभी लोगों से। आज से छठ पूजा का शुरुआत हो गया, नहाय खाय से, इसको लेकर पूरे अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने आर्यन भारत चैनल को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों एवं ग्रामीण वासियों को आस्था के पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूं। आस्था का पर्व है, शांति और सौहार्द बनाए रखें और शांतिपूर्वक से ये अपना पर्व को मनाएँ। आप जिला उपाध्यक्ष हैं, भोजपुर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? भोजपुर वासियों से यही मैं अपील करना चाहती हूँ कि शांतिपूर्वक से अपना पर्व को और सभी लोगों को सहयोग करने का काम करें। मीरा जाधव, भारतीय जनता पार्टी, जिला उपाध्यक्ष, भोजपुर भाजपा आरा।